कि वहां पर तब्दीली आएगी तो हर मुल्क के अंदर पॉलिसी में तब्दीली आती है, क्यों? इसीलिए अमेरिका का जो सदारती इंतखाब है बड़ा अहमियत का हामिल होता है। दाने दाने के लिए मोहताज बांग्लादेश अब अंधेरे में डूब चुका है। यूनुस की अंतरिम सरकार की सारी हेकड़ी निकल गई है, वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। पर यूनुस ने एक यू टर्न लिया है, जैसे उसके ऊपर अभी गवर्नेंस का प्रेशर आएगा वो ऑब्वियसली उस प्रेशर को नहीं सह पाएगा। सरकार अगर हिंदुओं की हेल्प करना चाहती है तो बांग्लादेश को वो एक्सपोर्ट करना बंद करे कमोडिटी, जब इनका दाल पानी रोटी बंद होगी तो इनको खुद ही अकल आएगी कि भाई अगर हम बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो इंडिया जो है उसकी सजा देगा। लेकिन अब तो उन्हें भीख भी नहीं मिल रही है। दरअसल अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने $84.6 करोड़ का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर दी है। रोको इसको, जय बे रोक भाई, हालत खराब हो रही है, यहाँ पर कपड़े फट रहे हैं। बांग्लादेश रिकॉर्डिंग लोएस्ट GDP इन 5 क्वार्टर, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ये बिजली जो आपके पास जा रही है, जो इस वक्त आधी है, ये भी बंद कर देंगे, यानी ये भी काटने वाले हैं। और इनिशियल डेडलाइन थी पेमेंट की वो 31 अक्टूबर थी। हम सब लोग पहले 31 अक्टूबर का वेट कर रहे थे, बांग्लादेश की सरकार ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन को भी वेस्ट कर दिया, उस टाइम भी पेमेंट नहीं करी। तो अब अडानी कह रहा है यहाँ पर कि हम आपको 7 डेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हर कोई बात कर रहा है कि हिंदुओं को कौन बचाएगा, एकदम से हिंदुओं की फिक्र जो है वेस्ट को क्यों होने लगी, अमेरिका को क्यों होने लगी। जहां जहां राजनीति होती है वहां पर जी या तो इंडियन कार्ड खेला जाता है या फिर जो है हिंदुओं की बात की जाती है। इसको मैं बता दूं, रगड़ दो एक बार बांग्लादेश को रगड़ दो, क्योंकि एक ये जिसके बल पर उछल रहे हैं, देखो तख्ता पलट तो अमेरिकन ने करा, ये बल पे किसके उछल रहे हैं? अमेरिकन के बल पे नहीं उछल रहे, चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं। और जो चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं, चाइना ज्यादा देर तक किसी को सपोर्ट नहीं करता। अब कर तो दिया है, अब निकलना कैसे है उसमें से? बोलते हैं ना, गड्ढा खोद लिया खुद गिर गए अंदर, क्या करें आगे ये किसी को पता नहीं है। अमेरिका से ज्यादा ब्लूमबर्ग को ये फिक्र है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ हम नोज डाउन जा रहे हैं, हम इतना नीचे गिर रहे हैं खाइयों में कि दुनिया को फिक्र है, मगर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो सब करने वालों को या हमारे हुक्मरानों को उसकी फिक्र होती भी है। अब मैं शैला आपको जरूर देना चाहती हूँ, जो आपने हिंदुओं में कहा कि हिंदुओं को कौन बचाएगा, हिंदुओं को किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं है। हिंदू अगर अपने वेदों और ग्रंथों को अच्छे से पढ़ लेते, हिंदू अगर अपनी अपने सिविलाइजेशन को इंदिरा गांधी जी की वजह से और नेहरू की वजह से और राजीव गांधी जी की वजह से अगर कभी ना छोड़ते, हिंदू अगर अपने वेदों ग्रंथों अपने श्रीमद् भगवद गीता अपने हनुमान चालीसा को अपने शिव तांडव को अगर सही से समझ लिए होते तो उनको किसी की जरूरत ही नहीं थी, किसी की जरूरत नहीं थी। हर एक हिंदुओं के देवी देवताओं की प्रतिमा किसी कोई अगर शेरावाली कहलाती है तो उस शेर पर बैठी हुई प्रतिमा भी इस बात का सबूत देती है कि वो शेर आक्रोश में रहता है पर उस पर बैठी भी बहुत ही सभ्य रहती है, बहुत ही सभ्यता वाली रहती है। कमल का फूल भी अपने आप में एक मैसेज देता है, चक्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है, अस्त्र और शस्त्र भी अपने आप में एक मैसेज देता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को किसी को अभी भी बचाने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू अपने अपने धर्म की सभ्यता संस्कार संस्कृति और अपने भगवान और अपनी गॉडेस को अगर सही से पढ़ लें, किताब में जा करके जो ग्रंथ जो वेद जो श्लोक उनको उनके पूर्वजों ने दिए हैं, उनके परमात्मा ने दिए हैं, उनके वो अपने अगर आत्मा में डाल लें तो किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं स्ट्रॉन्गली सपोर्ट जरूर करूंगी डोनाल्ड ट्रंप का, और आज से नहीं एक जमाने से मैं डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ। अच्छा, अगर मेरे फेसबुक को अगर आप 2011 और 12 की तरफ भी अगर झांक कर देखिएगा तो डोनाल्ड ट्रंप की एक डांस करते हुए बच्चे वाली जो वीडियो आई थी वो मैंने 2011 और 12 में शेयर किया था, और मैंने कहा था मतलब द बॉस मैंने उसको कहा था, क्योंकि जो आउट ऑफ स्पोकन जो एक वे है डोनाल्ड ट्रंप का वो मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। और इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के उत्सव पर हिंदुओं को उन्होंने मतलब संबोधित किया और दिवाली की शुभकामनाएं दी और साथ में एक ट्वीट किया जिसको 17 मिलियन लोगों ने देखा है, बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरी दुनिया ने देखा है, 17 मिलियन लोगों ने देखा, तो हर जगह थोड़े थोड़े लोगों ने पूरी दुनिया ने देख लिया है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदू एंड अदर माइनॉरिटीज। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आउट स्पोकन और बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये बात कही है,
बहुत ही आउट स्पोकन है ये बात, और एक ग्लोबल लीडर के लिए इतनी बड़ी बात कह देना, क्योंकि अब तक बांग्लादेश में एक हो गया साढ़े चार महीने हो गए कंप्लीट, और इस तरीके के दृश्य मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं से कंटिन्यूअसली मैं कनेक्टेड रहती हूँ, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, वो मुझे वहां पर जो जो चीजें होती हैं उनकी वो तस्वीरें मुझे भेजते रहते हैं, वहां पर जो वो लोग राष्ट्रपति को चिट्ठियां देते हैं वो चिट्ठियां तक मुझे भेजते हैं कि देखिए मैडम कुछ भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर इस्लामिस्ट जो है वो किस तरीके की हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहे हैं, बेटियों का अभी भी मतलब बेआबरू किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, और हजारों हिंदू पुरुषों को तो एक साथ जला दिया गया जिसकी तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर किया है, और कई बच्चों को मतलब हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वॉयलेंस और बार्बरिक सिचुएशन में अगर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ग्लोबल लीडर है और उन्होंने इतनी बड़ी बात अगर उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है और अपने ट्वीट पे भी लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, और अब यूएन को भी अपने गले के अंदर और ग्रीवान के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि क्या यूएन सिर्फ एक मतलब तावीज बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक नाम बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक मतलब प्लेटफॉर्म लेकर के बैठ गया है, क्या सच में यूएन का कोई कर्तव्य है? क्या डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा था कि कोविड के समय में यूएन का जो की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यूएन ने नहीं निभाया बल्कि भारत ने निभाया? तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, एक ग्लोबल लीडर ने इतनी बड़ी बात बांग्लादेश पर कह करके ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वाकई में यूएन को अब दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि आप अपनी टीम तो भेजते हो, आप वहां से रिपोर्ट तो सबमिट करवाते हो अपने पास, लेकिन उसके बाद होता क्या है, होता क्या है? हालांकि मोहम्मद यूनुस साहब को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ट्वीट करके और चिट्ठी भेजा था कि आप बैठे हो वजीर आजम के पद पर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन हिंदुओं की जान और नहीं पानी चाहिए, इसका ख्याल रखा जाए। मोहम्मद यूनुस, अरे बाप बड़ाना भैया मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया, मोहम्मद यूनुस ने वही किया, एक बार वजीर आजम के चेयर का उसको चस्का लग गया और उस चस्के में सारे हिंदुओं को वो ठसका लगा रहा है। तो उस हिसाब से डेली एवरी डे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, एवरी डे मेरे पास फोटोग्राफ्स आते हैं, मुझे लगता है कि अब इतने बड़े ग्लोबल लीडर के कहने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। एंड द सेकंड थिंग इज शैला, आई रियली अग्रीड कि जो काम हमारे देश के बड़े बड़े लीडरों को करना चाहिए था, जैसे राहुल गांधी को करना चाहिए था, प्रियंका वाड्रा को करना चाहिए था, सोनिया एंटोनियो को करना चाहिए था, अखिलेश यादव को करना चाहिए था, ममता बनर्जी को करना चाहिए था, या अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए था, ऐसे इस तरीके से हिंदुओं के समर्थन में ओपन प्लेटफॉर्म पे उतरना चाहिए था। मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी पार्टी वाले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वाले, कोई भी बड़े नेता, कोई भी मुख्यमंत्री जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अपफ्रंट भी नहीं आए, इवन एक ट्वीट भी नहीं किया। गाजा के लिए ये ट्वीट करते हैं, हमास के लिए ये ट्वीट करते हैं, और लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ये बिल्कुल ट्वीट नहीं करते। आप सोचो कि मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो, या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा, आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद
मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टर्म्स को जरूर सब्सक्राइब करें।